तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हीरो मोटर कॉर्प के स्टॉक के बारे में। हीरो मोटर कॉर्प के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है ये हमको पहले यहाँ पर लगातार के लिए डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा था। पहले हमको स्टॉक में लोअर लो लोअर हाई वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा था, लेकिन फिर स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, जिसके बाद से अभी अगेन हमको स्टॉक में लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है। अभी अगेन हमको स्टॉक में हाइयर हाई हाइयर लो वाला पैटर्न यहाँ पर अगेन देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से हमको अगेन यहाँ पर स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिली है। आज भी हमको स्टॉक में 2.53% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें, अगर यहाँ से स्टॉक में अभी और गिरावट आती है तो यहाँ से अभी और गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 2467 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको भी यहाँ ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में 5323 और 5064 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। वहीं यहाँ से अब अगर स्टॉक में रिकवरी आती है तो यहाँ से रिकवरी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 5690 का पहला यहाँ पर रजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको भी यहाँ ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में 5895 और अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक बड़ी तेज़ी एक बड़ी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 6000 देन यहाँ से हमको स्टॉक में 6270 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में 6500 और 6800-7000 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग तरह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। धन्यवाद।